हेलो, मेरा नाम सारू जोशी और आज मैं आप लोगों को अपने हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर जनरेटर सिस्टम के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। हम लोग सब जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी एनर्जी है जो कि एक पॉप दूसरे पॉप में कन्वर्ट हो जा सकती है, और अगर हम तीन बेसिक एनर्जी के नाम तो अगर हो तो एक सोलर, एयर और हाइड्रोजन, इन तीनों को अगर हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बेसिस पर मेरा ये मॉडल वर्क करता है। अगर मैं इसको अगर पहले बताऊँ सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। सबसे पहले 2000 आरपीएम मोटर, 5 रॉकिंग स्विचेस, 1 सोलर पैनल, 9 एलईडीज, स्मॉल मोटर विथ 2 प्रोपेलर एंड 1 पावर सप्लाई। अब मैं आपको इनको जरा ऑपरेट करके बताता हूँ। पहले हम लेते हैं सोलर पैनल का। यहाँ से मैं सोलर पैनल को ऑन करता हूँ और इधर से एलईडी को ऑन करता हूँ, और जैसे इसकी लाइट आएगी एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एलईडी ऑन हो चुकी है। इसी तरह से हम इनका आउटपुट को पेन से भी ले सकते हैं। अब सोलर पैनल का वर्क कैसे होता है? सबसे हम सोलर पैनल में केमिकल रिएक्शन होती है जब भी लाइट आती है। इसके अंदर सिल्वर की वायरिंग होती है। जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन चालू होती है, और उस केमिकल रिएक्शन से चार्जर प्रोड्यूस होते हैं। इसमें दो रॉड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। जो एनोड चार्जर्स होते हैं वो एनोड पर आ जाते हैं, और जो कैथोड होते हैं वो कैथोड पोल पर आ जाते हैं, जिससे हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब हम बात करते हैं एयर से। अब मैं विंडमिल को ऑन करता हूँ और ये एलईडी ऑन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट मैंने अगर एलईडी पे लिया है तो एलईडी भी ऑन हो रही है। अब इसी तरह ये हम इसे फैन से भी चला सकते हैं। इसका भी वर्क ऐसा है कि यहाँ पर जो हमारी मोटर लगी है इसे हम टरबाइन की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो हमें यहाँ पे वर्क एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हमने रिवर्स कर दिया है। यहाँ से अगर हम हमारी वर्क एनर्जी लगे तो यहाँ पे हमको रिवर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अब मैं विंडो को ऑफ करके हाइड्रोजन को ऑन कर देता हूँ और इधर से फैन ऑन किया। जैसे इधर से वाटर का फ्लो आएगा ये हमारे शाफ्ट जो है घूमने लग जाएगी, और इससे हमारे ये प्रॉपुलर भी घूमेगा। हम सब जानते हैं कि जैसे डैम में जो वाटर को स्टोर करा जाता है वो इससे करते ताकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा जाए। वही काइनेटिक एनर्जी इसकी इसे इसको रोटेट करेगी और यहाँ इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ा रही है। जैसे ये फैन रोटेट हो रहा है, इसी तरह हम एलईडी को भी ऑन करके देख लेते हैं।